अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नदीम भट्ट और इस वक्त मैं मदद कॉलोनी का वेलफेयर एसोसिएशन का जो दफ्तर है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ। और मेरा जो मकसद है आज की वीडियो का, हाल ही में जो मेरे बड़े भाई जमशेद अनवर भट्ट जो कि वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड कॉलोनी के, और 60 साल अरसा दराज होता है और 60 साल से वो यहाँ मुकीम थे, उन्होंने बहुत इंसानियत की खिदमत की। बॉर्डर रेवेन्यू पंजाब में सुपरिटेंडेंट के तौर पर वो रिटायर हुए, और ये जो वर्ल्ड कॉलोनी है अयूब दौर में 1966 में ये बनाई गई थी, चारों सूबों के जो कम्युनिटी थी उसको यकजा करने के लिए वन यूनिट के तौर पर ये इसको बनाया गया, और यहाँ पे तमाम लोग, तमाम सूबे के लोग इकट्ठे रहते थे, और यहाँ पे एक भाईचारा था, एक दौर था, एक टाइम था मोहब्बत थी इस इलाके में। और जो कि वो 6 साल की उम्र में यहाँ पे आए थे, और उसके बाद ज़ाहिर मैं यहाँ पैदा हुआ, और मुझे भी वर्ल्ड कॉलोनी के जो मेरे साथ जो रिश्ता है अस्सा 50 साल से ज़्यादा का है, और मैं दिली तौर पे बहुत रंजज़दा हूँ कि मेरे बड़े भाई दुनिया से रुखसत हो गए। और ये जितनी भी मार्केट है यहाँ की, देखें ये इस साइड पर ये सारा इतवार बाज़ार लगता था, और यहाँ पर वो हमेशा जितने भी लोग यहाँ पे जो मुकीम हैं उनकी खिदमत के लिए वो पेश रहते थे। तो आइए चलते हैं अंदर, जो वेलफेयर एसोसिएशन का दफ्तर है वहाँ पे थोड़ी सी नज़रसानी करते हैं कि उनकी यहाँ के हवाले से कितनी खिदमत हैं। तो अंदर चलते हैं। ओके, ये मदद कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन का दफ्तर है जिसके अंदर मैं आया हूँ देखने के लिए। आपके हवाले से अल्लाह ताला उसको करीब रहमत फरमाए, बहुत अच्छे इंसान बट साहब, बहुत अच्छे। वो
हम कहते थे कि भाई कैसे और होनी अनहोनी हर चीज़ हो गई। और क्या उसको कहते हैं, जब वो बाहर गए थे ना यार कंट्री जब गए थे कौन से संडे सभी का वो 2005 था 6 था हाँ ये 2006 था शायद हाँ हाँ जी 6 5 6 उससे पहले भी दो तनोरों खुद ही अकेला ही इलेक्शन विलम का हाँ दो तनोर वो खुद ही पहले तो फुल फ्लैश थे ना ये जो पूरा टनोर क्या उसका नाम है जब बाहर गए थे आप लोग गए थे मैं बाहर उसके बाद दो टनोर उससे पहले अकेले ही इलेक्शन लड़ते रहे। हाँ जी अच्छा आपके साथ कैसे मतलब आपके साथ अच्छे थे बड़ा प्यार था अच्छे नहीं मेरे साथ बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे थे इतने अच्छे थे मैं आपके आगे बयान नहीं कर सकता मैं आपके साथ ये बात बयान नहीं कर सकता कि बट साहब जितने मेरे साथ अच्छे थे कोई आए कोई जाए कोई कुछ वो ये कहते थे कि सिराज तुम बहुत अच्छे हो सिराज तुम बहुत अच्छे ये का जो सारा दफ्तर है ये जी यहीं पे जाना उसका बेस्ट हाँ जी हाँ जी यहाँ जी बिल्कुल ये अल्लाह का शुक्र है ये भारत दो हजार हमको आपको पता ना उनका एक दौर रहा है 79 से भुट्टो के दौर में उनका एक साल दस पूरे और पीपल्स पार्टी में वो हाँ वो उस टीम में शामिल थे जिस टीम में भुट्टो के साथियों में से एक उनका नाम था और बड़ी तकलीफें सही हैं और बड़ा बड़ा साथ दिया लेकिन जब से ये जिंदाली और आगे इनके पास पावर में उसके साथ फिर वो आगे उनके साथ कंटिन्यू नहीं किया बल्कि उन्होंने किसी टीम को ज्वाइन नहीं किया नहीं ये बात ठीक है ठीक है ना ये बिल्कुल ऐसे ही दिल तौर पर वैसे तो इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं लेकिन किसी टीम को उन्होंने बकायदा तौर पर ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन नहीं किया ये उनका सियासी करियर है 1986 में 31 दिसंबर को उनका एक्सीडेंट हुआ और वो जो एक्सीडेंट था हमारे लिए बहुत ही एक कैमन की तरह कैमन की क्योंकि उनका सर बहुत बड़ा उनके हो गया था सूज गया था और सर की नाड़ें गलत खींच गई थी और सारी टांगों के साथ टांगों में बाजू और टांग जो है उनके खींचे गए थे जिसकी वजह से उनके लगा के चलते ऐसे और डेढ़ 2 साल लगे उनको खड़े होने में ज़्यादा ज़्यादा तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो चलना शुरू हो गए तो उनके खैर चलते थे लगड़ा के लेकिन चलते बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको जिस्मानी सेहत याद किया ऐसे लेकिन टांग उनकी वैसे नहीं हो सकी जैसे ओरिजिनल होती है वो वैसा नहीं हो सकती तो अब जो सडनली मेरी उनकी 16 मई को डेथ हुई मैं मैं 14 मई को मेरी उनके साथ वीडियो कॉल पर बात हो रही है हम लोग बातें कर रहे हैं अक्सर करते हैं और फिर उसके बाद मैंने उनको बताया कि नहीं मैंने आपके स्पोर्ट्स की तैयारी की है और फिर तैयारी कर रहे थे आने की मुझे उन्होंने कहा था कि भाई साहब मैं नबी मुझे कह रहा है कि भाई हम आपने आ जाना सब कुछ थे मेरे दोस्त थे मेरे बाप की जगह थे मेरी माँ भी थे मेरी बहन के रिश्ते साथ तो मेरे लिए वो एक खिलौने की तरह थे जिनके साथ मैं उनको छेद के खेल पाता मेरी ऑक्सीजन थी बिल्कुल सही कह रहा बिल्कुल ऐसे ही हकीकत भी ये हो गई ऐसे ही है जो आप बयान फरमा रहे हैं ना
हकीकत भी यही है, क्योंकि जब मैं आने के लिए कहते थे मैं आ रहा हूँ, वो पहले ही तो वाली के बारे में इंतजार करते थे, खाली को कहते थे मेरा भाई यार, मेरा भैया, वो बहुत ज़्यादा मेरा भैया, मेरा भैया, मेरा भैया। पर साहब कितना आना है, वो एक किस्म का तैयारी में बैठा होता था कि भाई मेरा भाई यार, मेरा भाई, ये सारी सूरत हाल है उनकी लाइफ की। और जब ये पता चला मुझे कि अभी ऐसे उनका हो गया, तो ये ना पाते यकीन था एक ऐसी खबर मेरे से, इनके मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। मैं बिना सोचे इनके दिमाग ने मेरा काम करना छोड़ दिया था, और मैं बस टिकट खरीदी जो भी मिली, मैं फौरन यहाँ पे आया और कोशिश की थी कि मैं उनके जनाजे में शामिल हूँ, लेकिन थोड़ा सा फ्लाइटों की वजह से मैं डिले हो गया, जिसकी वजह से मैं जब तक उससे गया हूँ तो बड़ी तकलीफ हुई है। कोई शक बट दी ग्रेट, बट दी ग्रेट, उसने इस कॉलोनी में बहुत काम किया, इस बहादुर कॉलोनी से उसने अल्लाह का बंदे ने बहुत काम किया, मेरा बड़े लोगों को बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, इसमें कोई शक नहीं। हमेशा जब भी मैं आता था दरवाजे पर मिलते थे जी, ऐसे इस दफा भी बस ऐसे एक दिन हमने भी चले जाए। मैं कमर साहब ने होकर जब दिया कि मैं अंदर से भी काम बनाया, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन, नामुमकिन, हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर हमारे बस में होते ऐसा हो जाए, पर ये हमारे बस में मेरे से ये अभी तक मैं साढ़े साढ़े रात में सोता हूँ, रात को तीन चार बजे सोया हूँ, सुबह फिर आठ बजे उठा हूँ। मेरी बाकी का मुझे मैसेज आया जाग रहे हो, मैं जब भी जाग रहा हूँ मैं नींद नहीं आती, सोचता हूँ कि कहाँ गए। भाई सब ने चले जाए, ये लम्हा हर बशर की जिंदगी में आ, ये देर सवेर खाना जरूर। पर बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी आऊँगा, अल्लाह आपसे राजी, अल्लाह आपसे इंशाल्लाह रहेगी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज मैंने चले जाना, क्यों आज मैं जा रहा हूँ वापस नहीं उठना।